हेलो दोस्तों, मैं डीआरएक्स संतोष सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान जी को कौन नहीं जानता, राम भक्त हनुमान जो कि भक्ति की पराकाष्ठा हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का कोई कार्य बिगड़ रहा होता है और वह पवन पुत्र हनुमान का नाम लेता है, राम भक्त हनुमान का नाम लेता है, तो उसके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं। शायद इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति को सभी प्रकार के संकटों से उबार लेते हैं। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में अधिकतर लोग हनुमान जी की पूजा करते होंगे और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते होंगे। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा पढ़ी हुई हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है अथवा नहीं? ऐसे कौन से संकेत होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी पढ़ी हुई हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है? दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान खुश होने पर यानी कि प्रसन्न होने पर, जब वे व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं तो वे व्यक्ति को चार प्रकार के संकेत देते हैं, जिन्हें समझकर व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि उसके द्वारा पढ़ी हुई हनुमान चालीसा हनुमान जी ने स्वीकार कर ली है, हनुमान जी उससे प्रसन्न हैं अथवा उसकी पढ़ी हुई हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। दोस्तों, कौन से हैं वे चार संकेत, अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा में कुछ ऐसे संकेत भी बताए गए हैं जिनसे पता चलता है कि पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति पर बनी हुई है। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में वह संकेत बताते हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात पवन पुत्र बजरंग वली एक ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति अगर जातक सच्चे मन से करता है तो उनकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। दोस्तों, पवन पुत्र बजरंग वली को भगवान राम का परम भक्त माना जाता है। तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में पवन पुत्र बजरंग वली के कई गुणों का विस्तृत वर्णन किया है। दोस्तों, इसमें पवन पुत्र बजरंग वली को सकल गुण निधान कहा जाता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा कुछ ऐसे संकेत भी बताए हैं जिनसे पता चलता है कि आप पर पवन पुत्र हनुमान जी की श्री बजरंग वली की कृपा बनी हुई है। दोस्तों, इस ग्रंथ को, हनुमान चालीसा नामक इस ग्रंथ को, जिसे पढ़ने के बाद ना सिर्फ हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि जीवन में आई तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर जातक प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे कई तरह के फल मिलते हैं। दोस्तों, अगर व्यक्ति की कुल देवी, कुल देवता, पितृ इत्यादि कोई भी उससे रुष्ट हों, वे हनुमान चालीसा का पाठ अगर करते हैं तो हनुमान जी उसके सभी प्रकार के संकटों को दूर करते हैं। उसके इष्ट देवताओं का भी उसे आशीर्वाद मिलता है, गृह देवताओं का भी उसे आशीर्वाद मिलता है। वहीं दोस्तों, जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए व्यक्ति को हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। वे समस्त प्रकार की विकारों को दूर कर देते हैं, समस्त प्रकार के संकटों का नाश कर देते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि वे चार संकेत कौन से हैं जो हनुमान चालीसा सिद्ध होने पर अथवा हनुमान जी के प्रसन्न होने पर आपको मिलते हैं। नंबर एक, निर्भय होता है जीवन उस व्यक्ति का जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है अथवा जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति के जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वह समाप्त हो जाएगी। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और आप पूरी सच्चाई के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपके ऊपर पवन पुत्र बजरंग वली का आशीर्वाद है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के मुताबिक कहा जाता है कि जिन भक्तों पर पवन पुत्र बजरंग वली की कृपा होती है उनका जीवन भय से मुक्त होता है, उनके जीवन में भय के लिए कोई भी स्थान नहीं होता। कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी स्थिति हो, व्यक्ति को भय व्याप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद है और हनुमान जी के होते हुए भय उस व्यक्ति के आसपास भी नहीं फटकता है। दोस्तों, नंबर दो, जो संकेत दूसरे नंबर का संकेत होता है कि अगर
आपके कार्य में कोई बाधा नहीं आती है और आपके किसी कार्य में कोई विघ्न नहीं आ रही है, हर काम में आपको सफलता की प्राप्ति होती है, तो आप समझिए कि आप पर पवन पुत्र बजरंगबली की असीम कृपा है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कोई कार्य करे और उसके कार्य में कोई बाधा ना आए, उसके कार्य में कोई विघ्न ना आए। परंतु आपको उम्मीद नहीं थी, आपको ऐसा नहीं लगता था कि आप वो कार्य करेंगे और आपका कार्य इतनी आसानी से हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि उम्मीद में नहीं होता है, व्यक्ति को उम्मीद नहीं कि उसका यह फलाना फलाना काम इतनी आसानी से हो जाएगा और उसका वह काम बड़ी ही आसानी से हो जाता है, बड़ी ही सरलता से हो जाता है, उसे विश्वास ही नहीं होता है कि यह हुआ कैसे। वह कहता है कि शायद ये हमारे किसी पुण्य कर्म का ही फल है। तो हाँ दोस्तों, ये आपके पुण्य कर्म का ही फल है। यह आपके पुण्य कर्म के फल के कारण हनुमान जी आप पर प्रसन्न हैं और हनुमान जी की कृपा से आपके कार्य में बाधा नहीं आ सकती। कोई विघ्न आती भी है तो हनुमान उसे तुरंत दूर करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर बजरंगबली की आप पर कृपा है तो आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं आएगी, विघ्न नहीं आएगी, और अगर आती भी है तो वह शीघ्र दूर हो जाएगी। नंबर 3, दोस्तों, अगर आपके हाथों में मंगल रेखा दिखाई दे रही है तो इसका मतलब यही है कि बजरंगबली आपसे बहुत अधिक प्रसन्न है। दोस्तों, आप अपने हाथ को ध्यान से देखिए। पहले आपके हाथ में मंगल रेखा नहीं थी, परंतु जब से आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया है और कुछ पाठ करने के बाद अगर आपके हाथ में मंगल रेखा बनने लगी है तो इसका अर्थ है कि हनुमान जी महाराज आपसे प्रसन्न हैं और आपकी हनुमान चालीसा को स्वीकार कर रहे हैं, जिससे उनकी प्रसन्नता के कारण आपकी हथेली पर मंगल रेखा का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, जिस व्यक्ति की हथेली पर मंगल रेखा का निर्माण होने लगता है तो उसकी समस्त बाधाएं दूर होने लगती हैं, घर के सदस्यों को रोगों से मुक्ति मिलने लगती है। दोस्तों, घर परिवार में जो व्यक्ति रोगी थे वे ठीक होने लगते हैं, और अगर व्यक्ति स्वयं भी अस्वस्थ था अथवा किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित था, भले ही वह कैंसर ही क्यों ना हो, अगर उसके हाथ में मंगल रेखा का निर्माण होने लगा है, उस पर हनुमान जी प्रसन्न हैं, तो दोस्तों उसकी बीमारियाँ तुरंत दूर होने लगेंगी। धीरे धीरे उसे बीमारियों में आराम मिलने लगेगा और शीघ्र ही उसकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर आपके हाथ में मंगल रेखा बनने लगी है तो आप एक और चीज देखेंगे कि आप अपने लिए घर खरीदने के प्रयासरत थे, परंतु घर आप नहीं खरीद पा रहे थे, जमीन नहीं खरीद पा रहे थे, कोई ना कोई अड़चन आने लगती थी, तो मंगल रेखा के निर्माण होने से, हनुमान जी के प्रसन्न होने से आपकी वह समस्या भी दूर हो जाएगी और शीघ्र ही आप किसी नए भवन के स्वामी होंगे अथवा नई जमीन के स्वामी होंगे, आपका वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। नंबर 4, दोस्तों, अगर जिस व्यक्ति पर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, जिसकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है, उस व्यक्ति की अगर शनि की साढ़े साती भी चल रही है तो भी शनि की साढ़े साती का उस व्यक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति के समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, भले ही शनि की साढ़े साती चल रही हो अथवा शनि की ढैया चल रही हो, परंतु उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जो व्यक्ति हनुमान जी की शरण में होता है उस पर शनिदेव अपना प्रकोप नहीं दिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी प्रकार की शनि पीड़ा का आप पर असर नहीं हो रहा है और आपके ऊपर शनि का साढ़े साती अथवा ढैया चल रही है, तो आप समझ लीजिए कि आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा है, हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं और हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध हो रही है। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम सच्चे मन से अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।